my dear friends, welcome to my classes. This is Vidya, and now in today's video I'm going to tell you a summary of Abhika from Goa. It basically class 10th ke chapter number 7, glimpses of India ka part 1 hai, Abhika from Goa. ठीक है, आपको पता है कि glimpses of India में overall 3 parts है. First part का नाम है Abhika from Goa, second part का नाम है Kurg, and third पार्ट का नाम है अट्टी फ्रॉम असम. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अबेकर फ्रॉम गोवा का समरी. ठीक है, जिनके ऑथर है लूसियो रॉड्रिक. ठीक है, चलिए फिर देखते हैं. पहले अगर मैं बता दूं आपको ग्लिम्सिस मतलब क्या होता है, जैसा कि चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया. अगर मैं हिंदी में बोलूँ ग्लिम्सिस का मतलब होता है झलक, और या फिर आप कह सकते हैं व्यू. बेसिकली तीनों पार्ट में हमको कहीं ना कहीं इंडिया के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है. जैसे पहले पार्ट में गोवा के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, कि गोवा में कैसे बेकर्स, कैसे पुर्तगीज आए, उन्होंने बेकरी मतलब वो अपना प्रोफेशन को आगे लेके गए. और सेकेंड पार्ट में कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटका में है. कहीं ना कहीं हमको कुर्ग के बारे में बताया जा रहा है, और कुर्ग एक पार्ट है इंडिया का. और जो लास्ट पार्ट है टी फ्रॉम असम, यहाँ पे असम के बारे में बताया जाएगा कि कैसे टी ग्रो हुआ, उसकी कहानी क्या है, उसके लीजेंड्स क्या हैं. ठीक है, ठीके? तो आज की क्लास में हम पहले अबेकर फ्रॉम गोवा का समरी देखेंगे. ठीक है, सो चल स्टार्ट करते हैं. अबेकर फ्रॉम गोवा, बेकर मीन्स वन हु बेक्स केक, जो केक बनाते हैं, या फिर आप बिस्किट्स कह सकते हो, कुकीज़ कह सकते हो. ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेकर. चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन. अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ स्टोरी दैट रिलेट्स टू द टाइम व्हेन देयर वाज पुर्तगीज रूल इन गोवा. अ बेकर फ्रॉम गोवा वहाँ से स्टार्ट होता है जब पुर्तगीज आए थे, मीन्स जब पुर्तगीज ने रूल किया था गोवा पे, उस समय की बात है. द स्टोरी इज ऑफ अ बेकर लिविंग इन अ गोन विलेज. ये स्टोरी है बेकर की, जो कहाँ पे, गोन विलेज. गोन विलेज मीन्स गोवा की बात हो रही है. ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल्स ईट लॉफ्स ऑफ ब्रेड, मीन्स उस समय जो पीपल्स थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद था क्या, लॉफ्स ऑफ ब्रेड मीन्स ब्रेड खाना. दिस वर ऑल मेड इन बिग फर्नेसेस, मीन्स आपको पता है कि केक होता है, जो केक ब्रेड ये सब कहाँ बनते हैं, भट्टे में बनते हैं. तो दिस वर मेड इन बिग फर्नेसेस, मीन्स जो ब्रेड हो गए, केक्स हो गए, कुकीज हो गए, वो कहाँ बनते थे, बिग फर्नेसेस में, भट्टे में. नेक्स्ट, द बेकर्स नोन एज पैडर्स, जो बेकर थे उनको गोवा में क्या बोला जाता था, पैडर्स. ये लाइन याद कर लीजिएगा, पी ए डी ई आर एस, पैडर्स. वुड कम टू सेल दिस ब्रेड इन द स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंगल साउंड विद द बैम्बू. अब यहाँ पे कहना, जो बेकर्स थे वो गांव गांव में जाके क्या बेचते थे, ब्रेड्स बेचते थे. वो सुबह शाम बेचने आते थे, वुड सेल ब्रेड इन द स्ट्रीट मीन जो गली मोहल्ला था वहाँ पे वो बेचने क्या जाते थे, ब्रेड बेचने जाते थे. और उनके जो बैम्बू था वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता था, उससे बोलते थे झैंग झैंग. ठीक है, जिंगल साउंड विद द बैम्बू. अगर आपको स्टोरी आपने पढ़ा हो तो आपको पता है उनका एक बास्केट रहता था और एक बैम्बू. जब वो बैम्बू को जमीन पे स्टक करते थे तो एक आवाज आता था झैंग झैंग. ठीक है, तो नेक्स्ट, ऑल्दो नाउडेज वी मे नॉट सी दीज लॉव्स बट मे समटाइम्स सी द फर्नेसेस, मीन्स अब अभी की बात बताई जा रही है इसमें, कि हालांकि अब हम लोग क्या नाम है, नाउडेज वी मे नॉट सी दीज लॉव्स, अब हम लोग इतना आगे ब्रेड खाना उतना कोई पसंद नहीं कर रहा. नाउडेज वी मे नॉट सी दीज लॉव्स, ठीक है, बट मे समटाइम्स सी द बिग फर्नेसेस, भले हम ब्रेड ना देख रहे हो लेकिन गोवा में आज भी क्या देखा जा रहा है, बिग फर्नेसेस. इट मीन्स अभी भी जो जहाँ पे ब्रेड बनाए जाते थे वहाँ पे जो भट्टे थे वो आज भी देखने को मिलते हैं. सम बेकर्स कैरिंग ऑन द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ दियर फोरफादर्स, फोरफादर मतलब एंसिस्टर्स आप कह सकते हो. मीन्स यहाँ पे कह रहा है अभी कई लोग हैं गोवा में जो अपने पुराने प्रोफेशन को आगे लेके जा रहे हैं. पुराने मीन्स
पूर्वजों जो मतलब जो बेकरिन जो बेकरी बेकर्स थे उनकी ट्रेडिशन उनको जो, उनका जो प्रोफेशन है वो आगे लेके जा रहा किसके द्वारा बाय देयर सन्स ठीक है उनके बेटों के द्वारा कहीं ना कहीं जो बिजनेस फैम जो बिजनेस था उसको आगे लेके जाया जा रहा है ठीक है। नेक्स्ट द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ द बेकर्स ट्वाइस अ डे। अब बेकर यहाँ पे अपनी बात बता रहा कि जो ऑथर है उसको याद है कि बेकर दिन में दो बार आया करता था एक मॉर्निंग के टाइम एंड एक इवनिंग के टाइम। मॉर्निंग के टाइम वो ब्रेड देके जाता था और शाम के टाइम वो मनी कलेक्ट करने आया करता था। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज ही वॉज द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। द मेड सर्वेंट्स इन द ऑथर्स हाउस वुड बाय द लॉफ्स ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जब बेकर्स आते थे क्या वो ब्रेड सेल करने भले ही मेड सर्वेंट जाते थे वो ब्रेड लेकर आया करते थे लेकिन ऑथर्स जो थे उनको अपने मनपसंद का ब्रेड लेने जाना जो उनको लेना चाहिए लेने जाते थे और वो सो मतलब वो सोते रहते थे। जैसे वो ब्रेड जैसे वो बेकर्स का आवाज़ सुनते थे झंग झंग वो उठ के भागते थे अपने मनपसंद का ब्रेड लेने और उनके मनपसंद का ब्रेड कौन सा था जो बन आप कह सकते हो ब्रेड बैंगल्स उनके जो पसंद था उसको बोलते थे ब्रेड बैंगल्स ठीक है। ड्यूरिंग दोज डेज ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओकेजन स्पेशली ठीक है। तो ये बता रहा उस समय की बात थे जब ब्रेड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। मीन्स अगर आपके घर पे कोई भी फेस्टिवल है सॉरी अगर कहीं फेस्टिवल है या फिर कोई इंगेजमेंट है शादी है तो वहाँ पे ब्रेड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। स्वीट ब्रेड्स नोन एज बोल मीठे ब्रेड को क्या बोलते थे वहाँ पे बोल। ऑल्सो द बेकर्स हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस जो अब ऐसा तो नहीं है कि बेकर के पास अब वो बेकर एक प्रोफेशन का तो एक उनके पास एक ड्रेस था पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज आप कह सकते हो थोड़ा अजीब सा उनका ड्रेस था। क्या था वो ड्रेस का नाम था कबाई। पहले तो वो एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया शर्ट एंड हाफ पेंट उसको क्या बोला जाता था कबाई। ड्रेस का नाम भी आप याद रख सकते हो कबाई। अब देखिए कबाई के बारे में बताया जा रहा है इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू द नीस मीन्स एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक रहता था जो हमारे घुटने तक पहुंचता था ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कहा ना फ्रॉक के बाद एक और आया उनका ड्रेस क्या हाफ पैंट एंड शर्ट। नेक्स्ट बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम। अब यहाँ पे कह रहा है जो बेकिंग था मीन्स ब्रेड मेकिंग जो बिजनेस था वो उस टाइम पे बहुत प्रॉफिटेबल था एट दैट टाइम। अब ये हमें कैसे पता चलता है अगर आप लास्ट की लाइन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये हमें पता चलता है कि उस टाइम जो ब्रेड मेकिंग थे बहुत रिच थे उनकी खाने उनके जो पहनावा था उनको देख के पता चलता था कि बेकिंग जो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था ठीक है। तो आई होप आपको ये समरी पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।